पहले तो अपना नाम बताएं, पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशामुल हसन है। मैं टाटा नगर जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। जी बताइए, कैसे मेरे को याद किया, क्या आपके लिए मैं कर सकता हूँ? जी सर, मैंने एक चंडीगढ़ ईगल आई एडवाइजर, एक कंसल्टेंसी है, मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिशियन के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वर्क परमिट के लिए। तो सर, मुझे तो ऑफर लेटर भी वहाँ से मिला है और उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया है कि आपको 35,000 अभी पे करना है वीज़ा प्रोसेसिंग और लॉयर की फीस और इमिग्रेशन, ये सब चीज़ के लिए, और 2,400 कैनेडियन डॉलर जो है आपको वहाँ जाने के बाद में आपके अकाउंट से कट होगा, जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप वन टाइम मतलब आप कट करना चाहते हैं $2,400, या फिर आप मंथली कितने आप डॉलर कटिंग करना चाहते हैं, ये आपके एग्रीमेंट पे साइन होगा उसके हिसाब से। तो मैंने ये अप्लाई किया है सर, और मुझे बोला जा रहा है कि और बाकी पैसे जमा करने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, और PCL कंपनी से मुझे सिलेक्शन हुआ है और कनाडा की, और सर मुझे ऑफर लेटर भी मिला है PCL कंपनी से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट इंटरव्यू इतनी बड़ी PCL कंपनी में सिलेक्शन हो सकता एहतिशाम, अभी आप करते क्या हो वहाँ पर, क्या जॉब करते हो? सर? मैं सर इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या है एजुकेशन क्या है आपकी? सर मैं 10th पास हूँ और ITI किया हुआ हूँ 2 साल का। बाहर भी कभी किसी कंट्री गए हो, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह काम करने कहीं गए हो बाहर? जी सर, मैं 2 साल कतर पे काम किया हूँ, उसके बाद मैं 4 साल बहरीन में काम किया हूँ। टोटल गल्फ एक्सपीरियंस मेरा सर 6 ईयर है। जी, आपने मेरे कुछ और वीडियोस देखे हैं इस बारे, जॉब सर्च के बारे में या जॉब के बारे में? जी काफ़ी वीडियोस मैंने, ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन लोगों को जॉब मिली, वो देखें कुछ? हाँ जी सर, मैंने भी बहुत सारी इंटरव्यू आपकी ये वीडियो देखी है सर, लेकिन मुझे जो जानना था मुझे वो नहीं जानकारी नहीं मिल पाई सर, इसके लिए मैं सोचा था आपसे बात कर लूँ तो मेरे जो बहुत सारी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। जितने भी लोगों ने कॉल किया है मेरे को पूछने के लिए कि भी ये जॉब असली है नकली है, सबके जॉब नकली निकले हैं। और ये जितने भी कंसल्टेंट हैं, चाहे वो कनाडा में हो चाहे इंडिया में हो, 3-4 सवाल तो बनता ही है उनसे पूछना। नंबर 1 के भाई कंसल्टेंट साहब, आप क्या कोई लॉयर हो कनाडा में, या आपके पास कोई ICCRC का लाइसेंस है? अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर बता दें। दूसरा है, सवाल पूछना है कि आप ये जो काम कर रहे हो वो कौन मेन इंचार्ज कौन है? कभी आप कंसल्टेंट के ऑफिस में जाओ तो वहाँ पर रिसेप्शन में कोई और बैठा है, मेन आदमी कोई और है, वो सामने नहीं होता, या कोई और, कोई आपसे पैसे लेने वाला कोई और है, तो ये नहीं मालूम पड़ता कि डील कौन कर रहा है। तो उनसे पहले ये पूछना था कि आपका बॉस कौन है, आपका कौन है लॉयर वगैरह जो करता है, तो उससे पता लग जाता है कि किससे डीलिंग कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि उनसे ये पूछने का है कि भाई ये आपको जो जॉब आप मेरे को प्रोवाइड करवा रहे हो, इस जॉब के लिए वहाँ पर जो कनाडा में कौन HR मैनेजर है, या कौन जो मेन उस कंपनी का जो बॉस है जिससे आप, जैसे आपने PCL का नाम लिया, PCL में तो PCL मेरे ही शहर में कंपनी है एडमिंटन में, और वहाँ मेरे ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल है कि आज 1,000 से, हो सकता है 1,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हों। तो वहाँ पर एक जी सर, जो मेन HR मैनेजर है, जो बॉस है उनका, वहाँ उसको उसे क्या कोई सपना आ गया कि जाके टाटा नगर में या इंडिया में जाके वो ऐसे वर्कर्स हायर करेगा, और किसी कंसल्टेंट के थ्रू, मिडिल एजेंट के थ्रू? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये 3-4 सवाल पूछोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सब काम नकली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आपको पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये जो धंधा है इनका कि भी 30,000 रुपये जमा कर दो, फलाना कर दो, तो उन्हें पता है कि वीज़ा वगैरह तो कभी मिलने वाला नहीं है, तो कम से कम 30-30 हज़ार रुपये आप जैसे 10-15 और क्लाइंट फंसा लिए तो उनके तो महीने की अच्छी कमाई हो गई, और वो वहीं पर बैठे, इंडिया में बैठे बैठे कनाडा का मजा ले रहे हैं। जी सर, तो ये सब नकली है, नकली है। जी पैसा सर, बचाए आप, पैसा दे दिया आपने कि देना है? सर मैंने 10,000 रुपीज दे चुका हूँ उन्हें। उन्होंने मुझे बोला था कि आपके जो लॉयर है उनसे आपकी
वो जॉब ऑफर लेटर रिलीज करवानी है मुझे, आप मुझे पैसा अगर भेज दोगे तो आपका जॉब ऑफर लेटर जो है हम लोग रिलीज करना है। तो इसीलिए हमने उनसे 10,000 रुपीज़ फर्स्ट टाइम उनको दिया है, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर लेटर तो वहाँ से दिया, और फिर और बाकी के पैसे मांग रहे हैं 25,000, और मुझे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अप्रूवल आपका आएगा वो इस मंथ के एंडिंग में, उसके लिए आपको उससे पहले पहले आपको सारे पैसे जमा करने हैं, उसके बाद में आपका वो पेपर एहतिशाम वीजा वगैरह सारा। जी सर, एहतिशाम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत लंबी कहानी चल पड़ेगी। ये सब बकवास है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। उनसे एक जी सर, सवाल ये पूछना था कि आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में मेरे जैसे कितने लोगों को जॉब दिलवाई है, उनका एक आध का नाम दे दें, कनाडा में वो कहाँ हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उनसे हम पूछ के थोड़ा तसल्ली कर लेते हैं। उनके पास ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है। तो अगर आपके 10,000 चले गए हैं, अब वो वापस नहीं मिलने वाले मेरे ख्याल, तो जो कुछ हाँ हो गया अब आप चुप करके अपना घर में बैठे और पैसा ना वेस्ट करें। तो अच्छी हाँ किस्मत जी है सर, आपकी, अच्छी किस्मत है कि 10,000 के लॉस में हो गए, लपेट में आप आ गए हो। और नहीं तो लोगों इस स्टेज में तो लोगों के पास शायद 30,000, 50,000, मेरे पास ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए दे चुके हैं और वहाँ पर फिर वो गायब हो गए कंसल्टेंट। जी सर, तो जी सर, इस करके ये सब धोखा है, इसमें जी कुछ सर, निकलने वाला नहीं है। तो चुप करके आप अपना जो भी आपको स्टेप लेना है लो। मैंने आपको जो आपने मेरे से पूछा था कि क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब धोखा है, कुछ नहीं है इसमें। जी सर, ऐसा कुछ नहीं होता सर कि वहाँ पर सैलरी से कट होगी और यहाँ आपका 35,000 में मैंने। और नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं, कटवट कुछ नहीं हाँ होता। कनाडा का सिस्टम ही नहीं ऐसे कट करने का, किसी को देना फीस के लिए सैलरी कट करना, ये हमारा हमारा कानून ही नहीं है ऐसा कुछ। जी सर, उनसे मैंने पूछा था कि आपके जो लॉयर है मुझे उनका कुछ डिटेल्स चाहिए, मैं थोड़ा इसमें ICCRC वो कंसर्न जो एक वेबसाइट है उसमें मैं उनका चेक करूंगा वो इमिग्रेशन लॉयर है या नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं उनका डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ आपको। उनका नाम जो है सर, उनका नाम वो बोल रही एकदम ज्योत, देखिए, बता दी। नाम कुछ भी होगा, नाम जी होता ये है कि कम से कम, मेरे पास गिनती नहीं है, कम से कम 3,500 या 4,000 ICCRC कंसल्टेंट हैं कनाडा में, ठीक जी सर, है। कुछ कुछ जी नए हैं, कुछ पुराने हैं, जी और सबको अपना अपना धंधा चलाना है, किसी न किसी बहाने उनको रोटी रोजी कमानी है। इसी 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 को लेके हुए लेते हुए उन्होंने एजेंटों से कांटेक्ट कर रखा है इंडिया में या कहीं और कंट्रीज में, दुबई वगैरह में, कि भी जी हमें आप सर, मुर्गे फंसा के दो, हम ये इतना करेंगे ऐसा करेंगे। तो वो जो अच्छा बाहर वाले जो एजेंट्स हैं, वो कनाडा का कंसल्टेंट का जो नाम है उनका लाइसेंस नंबर लेके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि देखिए जी, हमारे पास इतना बड़ा वो कोलैबोरेशन है। तो जी अगर 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 सर, अगर वो कह रहे हैं कि ICCRC एजेंट है, तो उनसे कहना कि ICCRC एजेंट जो कंसल्टेंट है कनाडा में जहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर दो, हमें उससे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, देखें क्या कहते और हैं। सर पर मेरे को पता है कुछ निकलने वाला नहीं है इन सब बातों से। जी सर, मैंने उनसे बहुत बार कोशिश की है मांगने के लिए कि मुझे अपनी जो लॉयर है उनका वो डिटेल्स लिख दीजिए या उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो बोलते हैं वो उनका हमें हम जो डिटेल डायरेक्ट हम उनको नहीं दे सकते हैं उनका शेयर, और वो हम ICCRC जो कंसल्ट आप जो देख रहे हैं वो कनाडा की वेबसाइट है, और हम लोग जो है सिर्फ कनाडा के लिए ही काम नहीं करते हैं, हम लोग USA और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्री के लिए करते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर ICCR में आपको हम लोग हमारा जो है कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, वो लोग ने ऐसा मुझे कहा है। या जी सर, एहतिशाम, आपको खुद मालूम पड़ रहा है कि जी सर, उनकी बातों में कोई दम नहीं है, और ये सब बातें सब आपको गुमराह करने के लिए बातें हैं। सो इसलिए आपको जी सर, इनसे मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अपना घर में देखें, जो आप काम कर रहे हैं वो देखें, जो पैसे गए तो गए, अब आगे आगे के लिए बचाएं पैसे। जी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि क्या ये कंपनी विदाउट इंटरव्यू जैसे कि और CV सिलेक्शन ऐसा में कुछ जॉब ऑफर मिलता है सर ऐसा कनाडा, मतलब CV सिलेक्शन वगैरह में कुछ जॉब मिलती है वहाँ? कभी नहीं मिलता हमारे हमारे शहर में। तो चलो बैडमिंटन क्या, मैं पूरे कनाडा की बता दूं, यहाँ पर तो झाड़ू लगाने के लिए भी अगर आपको जॉब अप्लाई करें तो उसका भी इंटरव्यू होता है, उसका भी रेज्यूमे डालोगे, उसका भी अच्छा दे विल चेक देम आउट। तो यहाँ पर बड़े बड़े टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन को बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे जॉब बैठे बैठे आ गई जी, कनाडा से जॉब आ गई, टाटा नगर में आ गई, कर लो जी, ये कर लो, ये सब बकवास है, कहानियाँ है, सब कुछ नहीं है। मैं तो बड़े परेशान हूँ कि इतने वीडियोस बना चुके हैं, जैसे आप जैसे केस है, इतने वीडियोस बना रखे हैं, फिर भी भारत की
जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कोई ना कोई फंस ही जाता है। जी सर, वैसे हम लोग बोल देते हैं ना फोन करके कि हम लोग भी अभी बहुत सारी मतलब बेरोजगारी हो गया सर, अभी जैसा कोविड के वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, इस वजह से ये सब इलो के बातों में आके झांसे में फंस जाते हैं। मैं भी सर फंस गया हूँ। बात ये है कि बेरोजगार तो बहुत कंट्रीज में है, कनाडा में भी कई जगह बेरोजगारी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भोले भाले लोगों को एक छल करके गुमराह करके उनको फंसा के उनके पैसे, उनके गिरेबान से पैसे, उनकी जो हक हलाल की कमाई है वो लेकर हम अपना पेट भर लें, इसका मतलब ये थोड़ी है। बेरोजगारी, कोविड है, बेरोजगारी है, सब है, ये तो हम उल्टा कर रहे हैं। इससे बेटर कि भाई हमें मतलब कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हम तो लोगों को लूट रहे हैं, तो हम ऐसी कंसल्टेंट की बेरोजगारी तो दूर हो जाएगी लेकिन आप मारे जाओगे। हाँ जी सर जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा हम चले फिर, ठीक है। और कोई आपको मैंने बता दिया कि सब नकली है तो आप अपना कर लें इंतजाम जो भी कुछ है। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप मुझे इतना गाइड कर दिए सर, बहुत मेरा पैसा बच गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप मुझे इतना टाइम देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़ सर।